वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रेक। मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स कार्नोट साइकिल। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स में, आज वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले ये वो छोटा सा सिस्टम है जिसपे पूरा का पूरा काम करेंगे, पूरा रिवर्स कार्नोट देखेंगे। सो ये रहा वो छोटा सिस्टम। देर इज अ सोर्स, ओके, इट मीन्स दी हायर टेम्परेचर denoted as T1, okay? मैंने यहाँ पे T1 दिखाया इसे, and lower temperature known as the sink, इसे मैंने लिखा हुआ है T2, okay? यहाँ पे heat rejections होते हैं Q1 and Q2, ये मैं नाम दे देता हूँ, इनका काफ़ी यूज़ करूँगा मैं अभी, derivations वगैरह कुछ करेंगे तो, okay? So this is the basic cycle, a source known as the higher temperature, यहाँ पे मैंने denote किया T1, then T2 is the sink, lower temperature, okay? पिछला जो हमारा एक वीडियो था कार्नोट साइकिल सिंपल, जितने लोगों ने नहीं देखा मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उसे देख लें, ये उसका जस्ट कंटिन्यूएशन है, आगे का पार्ट है, ओके। वहां पे हमने कुछ, मैं जरा रिवाइज कर देता हूं, वहां पे हमने कुछ इस तरह देखा हुआ था कि हायर टेम्परेचर से Q1 कमिंग टू द इंजन नोन एज द हीट इंजन, ओके, एंड हीट इंजन रिजेक्ट सम हीट टू द लोअर टेम्परेचर Q2 एंड प्रोड्यूसिंग अ वर्क, ओके, प्रोड्यूसिंग अ वर्क, सो दैट इज हीट इंजन। बट फॉर द रिवर्स कार्नोट साइकिल यहाँ पे प्रोसेस उल्टा होने वाला है, ओके। लोअर टेम्परेचर से हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे लोअर टेम्परेचर से, एंड हायर टेम्परेचर को वो सप्लाई करेंगे कुछ, ओके, बाय सप्लाइंग अ वर्क डन, ओके, क्योंकि हम नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर को दे रहे हैं, सो वी रिक्वायर्ड वर्क, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट। रिवर्स कार्नोट में दो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे रिवर्स कार्नोट की बात करेंगे, ये दो टर्म्स हैं जो काफ़ी परेशान करते हैं, ओके, वन इज रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड वन इज द हीट पंप, ओके। चलो देखते हैं क्या होते हैं वो। रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए ये याद रखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सर्कल, ओके, ये लोअर सर्कल, एंड फॉर हीट पंप ये हाइयर सर्कल, ओके, जस्ट इसको याद रखना है, काफ़ी हेल्प करेगा। मूव करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। सो रेफ्रिजरेटिंग मशीन की जब भी बात करेंगे, सो COP वहाँ पर आ जाता है, COP, ओके, COP इज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, इट इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड हीट पंप, काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं COP पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटिंग मशीन हैविंग द COP इज, जो नीचे का जो मैंने सर्कल किया ये ध्यान देना है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, नथिंग बट, इट इज़ नथिंग बट द कूलिंग इफेक्ट, यानी कि लोअर टेम्परेचर से जो वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ओके, कूलिंग इफेक्ट अपॉन द वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ओके। सो बेसिकली यही है यहाँ पे। सो COP फॉर रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज गिवन एज, दिस इज Q2, ओके, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, मैंने जैसे बताया कि Q2 इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन, दिस इज वर्क डन, ओके, सप्लाइड वर्क, ओके। यहाँ पे कार्नोट है, बहुत ध्यान रखना है कि कार्नोट है, कुछ तो अलग होगा, ये सारे जितने भी नॉर्मल इंजन है ये उनके लिए ठीक है, जितने भी नॉर्मल इंजन आप पढ़ोगे उनके लिए दिस इज ओके, बट कार्नोट एक स्टेप आगे जाएगा। कार्नोट के लिए एक बहुत बड़ा बेसिक से याद रखना है, Q1 अपॉन Q2, यहाँ पे देखते रहना है, Q1 अपॉन Q2, ओके, इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, अगेन एक बार रिवाइज करता हूँ, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। आज से किसी ने भी पूछा कार्नोट के बारे में क्या क्या जानते हो, सबसे पहले उसके मुंह पे ये मार देना है, ओके, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो ये जो फॉर्मूला है कार्नोट के लिए स्लाइटली चेंज हो जाएगा, दैट इज T2 अपॉन T1 माइनस ऑफ T2, ओके, व्हाट इज T2, माय लोअर टेम्परेचर, ओके, अपॉन T1 माइनस T2 फॉर द रेफ्रिजरेटिंग मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट है COP, सो इसको दिमाग में बिठा लेना है, ओके। मूव करते हैं हीट पंप। हीट पंप के लिए मैंने एक सर्कल ऊपर का दिखाया, ओके, बहुत ईजी है, बस इस सर्कल को याद रखना है, यहाँ पे Q1 कुछ दिखाई दे रहा है, सो दिस इज Q1 अपॉन सेम वर्क डन, ओके, सो वर्क डन, सो इट इज नथिंग बट Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, बट लेकिन मैंने कहा कार्नोट बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे मूव करता है, सो इट इज T1 अपॉन T1 माइनस ऑफ T2, ओके, दिस इज फॉर हीट पंप, ओके। थोड़ा मैं बताना चाहूँगा हीट इंजन के बारे में, जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है फॉर कार्नोट साइकिल। फॉर कार्नोट साइकिल देयर इज अ हीट इंजन, ओके, देयर इज अ हीट इंजन, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रोसेस नॉर्मल था, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह मूव हो रहा था, और ये हीट इंजन था, वहाँ पे वर्क प्रोड्यूस कर रहा था बंदा,
वहां पे हमने एक वहां पे जो हमने टर्म देखा था दैट इज एफिशिएंसी, ओके, हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखे थे। यहां पे रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड हीट पंप है, इसके लिए सीओपी यूज करना है, बट हीट इंजन के लिए सीओपी नहीं, एफिशिएंसी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं। वहां पे ये किस तरह था, दैट इज टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ओके, हाइयर टेम्परेचर अपॉन लोअर टेम्परेचर अपॉन हाइयर टेम्परेचर। सो ये एफिशिएंसी थी, ओके, इन द प्रीवियस कार्नोट साइकिल, ओके, हीट इंजन इज टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ओके, और हीट पंप जो है इसका कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, ओके, सो ये बेसिक्स है, ये छोटे से पॉइंट से इसको याद रखना है। मूव करते हैं, जो एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो है कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ओके, इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस वन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान, बहुत ही, मैं तो कहूंगा इसको स्पेशली कहीं पे लिख के रखो और अपने दिमाग में भी, कि द सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेफ्रिजरेटिंग मशीन, ओके, बाय प्लस वन, ओके, यहाँ पे मैंने रिवर्स लिखा हुआ है, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग जो सीओपी है इट इज लेस देन वन फॉर। चलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट एग्जाम्स में काफी आते हैं, उनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो निकाल के मैं आपके लिए लाया हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज एन एयर कंडीशनर यूज एज अ हीट पंप इज ऑलवेज सुपीरियर देन इलेक्ट्रिकल हीटर, ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर, जितना अमाउंट ऑफ आप W से प्रोवाइड करेंगे उतनी अमाउंट ऑफ वो आपको हीट प्रोवाइड करता है, ओके, बट हीट पंप वाई इट इज सुपीरियर, यहाँ पे देखते हैं, यू प्रोवाइड अ W ओनली एंड आपको जो मिल रहा है दैट इज Q1 विच इज W प्लस Q2, ओके, दैट्स वाई एन हीट पंप इज ऑलवेज सुपीरियर देन इलेक्ट्रिकल हीटर। बहुत टाइम ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन होता है जो इस पे इस तरह होता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को आप एक एडियाबेटिकली रूम है जिसमें आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन रखेंगे तो क्या होगा। सो आंसर इज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ रूम विल इंक्रीज, वाई एडियाबेटिक किया है अपने रूम को, इट मीन्स कि हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती बाहर से। सो इन दैट कंडीशन आपने आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसके डोर को ओपन रखा हुआ है, सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज, इतना याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द वेपर कंप्रेशन साइकिल हैविंग द हायर सीओपी देन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसे याद रखना, एग्जाम्स में काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है कि द वेपर कंप्रेशन साइकिल हैविंग द सीओपी, सो आपको बताना इट इज अ ग्रेटर देन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एक और टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो होता है कि लोअर टेम्परेचर, ओके, यहाँ पे अपना T2 है, सो दिस इज T2, लोअर टेम्परेचर वर्सेस COP ग्राफ, ओके, वो ग्राफ क्या होगा, किस तरह होगा, ओके, सो उसे याद रखना, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लुक लाइक दिस, ओके, सो दिस इज एन अनदर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, ओके, सो इसे याद रखना है कि COP वर्सेस लोअर टेम्परेचर ग्राफ लुक लाइक दिस, एग्जाम्स में कुछ और दे देंगे इस तरह से, आपको बताना है दिस इज ये नहीं है, दिस इज नॉट ये नहीं है, ओके, सो दिस इज द रियल वन, ओके।